सबसे पहले बात कर लेते हैं धमतरी की, जहां नगर निगम का एक अजीबोगरीब फरमान जारी हुआ। रावण के 10 सिर नहीं जलने पर निगम ने कार्रवाई की है। बाबू निलंबित हो चुका है, 4 लोगों को शोकॉज नोटिस जारी हो चुका है। तो रावण दहन के दौरान 10 सिर नहीं जले थे, जिसके चलते एक अनोखा फरमान जारी हुआ है। रामलीला मैदान में 30 फीट ऊंचे पुतले दहन के इस मामले में जब रावण के 10 सर नहीं जले तो नगर निगम ने कार्रवाई की है। पुतला निर्माण में बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। तो रावण दहन के दौरान रावण के 10 सिर नहीं जले, रामलीला मैदान में 30 फीट ऊंचा यह पुतला जिसका दहन होना था उसके सिर नहीं जले, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है। 4 लोगों को शोकॉज नोटिस जारी हुआ है और बाबू को निलंबित कर दिया गया। चलिए इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, रावण दहन के दौरान 10 सिर नहीं जलते हैं रावण के और इस पर कार्रवाई हो जाती है, अनोखा मामला है, अनोखा फरमान भी जारी हुआ, 4 लोगों को शोकॉज नोटिस भी इस मामले में जारी हो गया। देखिए, यही है अजब गजब छत्तीसगढ़। बताइए, रावण का सिर नहीं जलता है तो एक बाबू निलंबित हो जाता है, 4 को कारण बताओ नोटिस हो जाता है, जबकि ये निर्देश वो जारी करता है जो आयुक्त का प्रभार है, जिसके पास वो आयुक्त है नहीं। आयुक्त वहां के हैं विनय पोयाम, जो फिलहाल छुट्टी पर हैं, उनकी जगह जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको प्रभारी चार्ज अभी दिया गया आयुक्त का, उनका नाम है राजेश पदमवार। बारिश कल हुई, हमने सबने देखा, रायपुर में भी हमने देखा, मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, वहां पर भी पुतला पूरी तरह से नहीं जला। तो ये किसी का दोष थोड़ी है, बारिश है, भींग गया पुतला, नहीं जल पाया। अब वहां दिक्कत ये है कि रावण का सिर क्यों नहीं जला, इससे नगर निगम की छवि धूमिल हो गई, और छवि अगर नगर निगम की धूमिल हुई तो जो वहां जिनको इंचार्ज बनाया गया था, जिन बाबू और 4 कर्मचारियों को, एक तो को निलंबित कर दिया गया और 4 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। देखिए, इससे शर्मनाक हो नहीं सकता। क्या वो नहीं जला तो ये इन लोगों की गलती के कारण नहीं जला? बारिश पर किसका जोर है? अभी मौसम खराब हो जाएगा, 5 मिनट में सब कुछ चीजें बदल जाएंगी। तो इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए, और ऐसे आदेश जब सामने आते हैं तो सभी का यही कहना होता है कि वाकई में क्या हम अजब गजब छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अगर रावण के 10 सिर नहीं जले तो उसमें अधिकारियों की क्या गलती हो सकती है, ये तो अब नगर निगम ही बताएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, हास्यास्पद भी इस मामले को कहेंगे कि रावण के 10 सिर नहीं जलते हैं तो नगर निगम की छवि धूमिल होती है और इस पर कार्रवाई भी हो जाती है।